भाजपा नेता मंजूर नायक ने पंचायत दंडोती में बूथ जन संवाद कार्यक्रम को किया संबोधित। लोगों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का एक शानदार प्रदर्शन करते हुए भाजपा नेता मंजूर नायक ने वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व एमएलसी व भाजपा महासचिव की उपस्थिति में बुद्धल विधानसभा क्षेत्र के पंचायत दंडोते में एक और बूथ जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। यह कार्यक्रम भाजपा मंडल प्रधान नजीर मोहम्मद शकील ठक्कर द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें एक बड़ी और उत्साही सभा ने भाग लिया था। नायक ने भ्रष्टाचार को खत्म करने और सभी को न्याय दिलाने के लिए पार्टी के समर्पण की पुष्टि की। इलाका बुद्धल का जो टाउन है उसमें जब मैं घूमता हूं तो मुझे बड़ी एक एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। यहां भी अगर आप नज़र लगाएंगे डंडोत में तो कितनी खूबसूरती है। यहां पर एक वैली है, बुद्धल एक वैली है। यहां तहसील हुआ करती थी, पॉलिटिकली नुकसान पहुँचाया गया, पॉलिटिकली बुद्धल को पीछे किया गया और एक तहसील जो पहले से थी आज तहसील नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये लड़ाई लड़ रही है। यहाँ की लोकल लीडरशिप भी बार बार जो है इसको लेकर हमारे पास जम्मू में आ रही है। मैं आपके माध्यम से बुद्धल वासियों को ये जरूर एक वादा करता हूँ, इस लड़ाई में मैं इनके साथ खड़ा हूँ, आगे खड़ा रहूँगा और जल्दी इनके साथ इंसाफ हो ऐसी मैं कोशिश करूँगा कि एक तहसील पहले से बुद्धल तहसील थी, आज नहीं रही, ये दोबारा से तहसील बने। ये बड़ी बात नहीं है लेकिन ये इनके साथ इंसाफ होगा और इंसाफ करने के लिए मैं इनके साथ खड़ा हूँ। बुद्धल जो है अखरोट के लिए बड़ा मशहूर, राजमा के लिए बुद्धल का एक बड़ा नाम, यहाँ के अनारदाने के लिए बुद्धल जो है बड़ा एक उसका एक नाम है। मैं पिछली बार आया था और आज भी बुद्धल के युवाओं को मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो स्टार्टअप का एक विजन दिया है और उसके लिए एक लोन की एक उन्होंने रखा है कि बिना मॉर्गेज के आप 10 लाख रुपए तक का लोन जो है वो ले सकते हैं और उसमें और भी सब्सिडीज़ के बड़े माध्यम हैं उसके अंदर। यहाँ के युवा आगे निकले, अखरोट को जो है पॉलिश करके बढ़िया करके और पैकिंग की एक यहाँ पर फैक्ट्रीज लगे हैं। यहाँ अनारदाने के बिजनेस को लेकर स्टार्टअप का बिजनेस यहाँ पर किया जाए। यहाँ पर ऐसी ऐसी जड़ी बूटी होती है जिससे कि अगरबत्ती बनती है। अगरबत्ती पूरे देश के अंदर उसकी एक मांग है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में ये बात बोली। उन्होंने कहा कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे लोकल लोगों ने जो चीज़ बनाई है हम उसको खरीदें, उसको प्रमोट करें। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि दिवाली वाले दिन हम या हमारा कोई भी बड़ा त्यौहार होता है जब हम खरीदारी करते हैं तो हमें उसमें कुछ ऐसा खरीदारी में जब हम कहीं सैर करने जाते हैं तो खरीदारी में 20% हमें बजट ऐसा रखना चाहिए कि हम अपने होममेड अपने देश की बनी हुई अपने युवाओं की बनी हुई चीज़ों को ही खरीदें। इसलिए मैं बुद्धल के नौजवानों को ये कहना चाहूँगा कि आप आगे कदम बढ़ाएं। आपको स्टार्टअप के अंदर यहाँ पर जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज लगाएंगे उसमें अगर कोई आपको ज़रूरत पड़ेगी, कहीं परेशानी आएगी तो हम आपके साथ खड़े हैं। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा आज यहाँ पर मुझे स्मार्ट सर की बात जो है यहाँ पर अभी इन्होंने यहाँ पर कही, हम लोग मंजूर जी और हम लोग अर्जुन मेघवाल जी से मिलने दिल्ली गए थे। वो यहाँ पर लोकसभा प्रवास योजना के तहत ये पार्लियामेंट्री सीट देख रहे हैं, हम उनको मिल के आए हैं, हम उनको रिप्रेजेंटेशन देकर आए हैं कि स्मार्ट सर की जो है DPR बनाई जाए। मुझे लगता है कि जल्दी ही आपकी स्मार्ट सर की जो है वो DPR बनेगी और हम स्मार्ट सर यहाँ से गाड़ी में बैठकर जाएंगे। लेकिन एक खुशखबरी की बात ये भी है कि हमारी यहाँ पर शक्करमर्ग से लेकर अपने दरहाल से लेकर शक्करमर्ग तक का 200 करोड़ रुपये का केबल कार का प्रोजेक्ट लगभग सेंक्शन होने जा रहा है। जब वो प्रोजेक्ट सेंक्शन होकर बन जाएगा 7 लेक तक जो हम लोग जाएंगे, ये रजौरी और पुंछ टूरिज्म को लेकर एक बड़ा इसके अंदर एक छुपा हुआ खजाना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ा बुरे तरीके से रजौरी और पुंछ के साथ बेइंसाफी की, यहाँ के गुजर बकरवाल के साथ लोगों के साथ भी बेइंसाफी की, यहाँ पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ भी बेइंसाफी की और यहाँ के पास टूरिज्म ना बढ़े इसलिए भी यहाँ पर इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है कि जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। यहाँ के गुजर बकरवाल समाज के साथ और पहाड़ी कबीले के साथ मिलकर दोनों समाज के लोगों को उनके हक दिए जाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर।
गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।